अब हम देखते हैं कि जो कश्ती पलटी हुई थी ग्रेस की बहन ने उसके नीचे छुपी हुई थी, वो पानी से निकलकर बाहर आती है तो वो मगरमच्छ अब ली की तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखकर ग्रेस जल्दी से उसको कश्ती पर चढ़ने को कहती है। अब जैसे ही ली कश्ती पर चढ़ती है मगरमच्छ फिर से वहाँ आकर कश्ती हिलाने लगता है। तो आगे हम देखेंगे कि इस मूवी में क्या होता है। मूवी के शुरू में हम फिर रानझगा पर एक खूबसूरत मगर खतरनाक तालाब को देखते हैं जिसके पानी का रंग काला था और उस तालाब का नाम था ब्लैक वाटर। और इसी बाद हम एक फैमिली को भी देखते हैं जिसमें तीन लोग थे, एक लड़की जिसका नाम मुरेश था और उसके साथ उसके हस्बैंड और छोटी बहन जो थी। कश्तियाँ गुजारने के लिए एक क्रोकोडाइल पार जा रही थी जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे। कुछ वक्त के बाद वो लोग जहाँ पहुँच जाते हैं देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मगरमच्छ को खाना खिला रहे हैं। ये नजारा वहाँ पर आया हर इंसान देख रहा था, साथ ही तीनों भी पार्क में खूब मजे कर रहे थे। फिर रात के वक्त ये लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ ये लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कल को क्या प्लान है यानी कल कहाँ जाना है। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है ब्लैक वाटर, वहाँ चलेंगे, वहाँ जाकर हम मछलियाँ पकड़ेंगे। ये वही तालाब था जिसे हमने कुछ देर पहले देखा। फिर अगले ही दिन ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि तालाब बहुत बड़ा है जो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। आसपास काफी सारे पेड़ थे क्योंकि ये जंगल भी था। यहाँ एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास कश्ती थी, वो यहाँ का गार्ड था जो इनके सफर में इनकी मदद करेगा। अब कुछ वक्त के बाद वो इन लोगों को मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है। गार्ड बताता है यहाँ मेरा बॉस भी है जो किसी और फैमिली को तुम्हारे लिए किया है और मेरे पास एक गन भी है जो मुश्किल के बाद एमरजेंसी में काम आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। यहाँ ग्रेस और उसकी बहन की बातों से पता चलता है कि ग्रेस का बच्चा होने वाला है, मगर अभी तक उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। क्योंकि जब ये लोग कश्ती में थे तो आस पास के नजारे काफी एंजॉय कर रहे थे, इन्हें सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बात की तस्वीरें भी लेते हैं जिस बीच वो काफी आगे निकल आए थे। एक जगह रुक कर वो मछली पकड़ने लगते हैं मगर कोई भी मछली को नहीं पकड़ पाते, इसीलिए वो गाइड इन्हें और आगे ले जाते हैं जहाँ ग्रेस का हस्बैंड दोबारा से मछली पकड़ने लगता है और इस बार उनकी रस्सी में एक मछली अटक भी जाती है जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। मगर तभी अचानक उनकी कश्ती जोर से हिलती है और फौरन ही वो पलट जाती है जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं क्योंकि दरअसल उनकी रस्सी में कोई मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ अटक गया था और इसी ने उनकी कश्ती को टक्कर मारी थी। ग्रेस का हस्बैंड डर से वो कहता है हरी अब जल्दी करो पेड़ पर चढ़ो और वो घबरा कर ग्रेस को पेड़ पर चढ़ा देता है। मगर जब उसकी बहन को चढ़ाने लगता है तो वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी ग्रेस वहाँ उस मगरमच्छ को देखती है जो उस गाइड की लाश को लेकर जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके गाइड को मगरमच्छ ने मार दिया था। अब ग्रेस काफी डर गई थी क्योंकि वो मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही आ रहा था। वो फौरन चिल्ला कर उसे पेड़ पर चढ़ने को कहती है तो वो ऐसे ही करता है, फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देख कर वो काफी डर जाती है मगर वो पानी में नहीं गिरती क्योंकि उसने काफी जोर से कश्ती को पकड़ा हुआ था। ग्रेस के हस्बैंड पानी में शोर करके मगरमच्छ का ध्यान भटकाता है ताकि वहाँ से निकल सके। अब यहाँ पर सुकून सा हो गया था क्योंकि वो मगरमच्छ यहाँ से चला गया था, साथ ही वो उस गाइड की तैरती हुई लाश को भी अपने साथ ले गया था। ये देखकर ग्रेस अपने हस्बैंड से कहती है कि वो मगरमच्छ यहाँ से जा चुका है, तो यही सही मौका है ली को वहाँ से निकालने का। वो ली को कहती है जो रस्सी कश्ती के साथ बंधी हुई है उसे हमारी तरफ फेंको, और जब ली उस रस्सी को फेंकती तो ग्रेस का हस्बैंड उसको पकड़ के खींचने लगता है मगर कश्ती वहाँ पर अटक गई थी और काफी भारी भी थी जिस वजह से वो आगे की तरफ नहीं आ रही थी। हालांकि वो दोनों मिलकर भी कोशिश करते हैं मगर फिर भी कश्ती आगे नहीं आती। तब ग्रेस ली को हिम्मत करके खुद ही तैर के आने को कहती है। ली डरी हुई थी जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है मगर फिर हौसला करके वो पानी में उतरती है और तैरती हुई पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर काफी जख्मी हो गया था। अब तीनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ग्रेस कहती है हमें कुछ देर यहाँ रुक कर इंतजार करना चाहिए क्योंकि उस गाइड को ढूंढते हुए उसका बॉस यहाँ पर जरूर आएगा, तो वो लोग यहीं रुक कर इंतजार करने लगते हैं। अब काफी वक्त गुजर भी जाता है मगर यहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो मगरमच्छ भी यहाँ से गया नहीं था बल्कि वो बार बार यहाँ चक्कर काट रहा था। इस इंतजार में कब वो तीनों नीचे आए और मैं ऊपर चपट कर उन्हें भी अपना खाना बना दूँ। तब ग्रेस का हस्बैंड कहते हैं कि हम ऐसे तरीके तैर कर पानी में जाए, कश्ती को सीधा करें और उसी में जाकर बैठ जाए। मगर ग्रेस और ली को ये प्लान खतरनाक लग रहा था क्योंकि जब भी लोग पानी में जाएंगे तो मगरमच्छ इन पर हमला कर देगा। अब घबराहट की वजह से ली जोरों से मदद चिल्लाने लगती है। उसे देखकर ग्रेस भी ऐसा करती है और चिल्लाने लगती है मगर ये पूरा इलाका सुनसान था और लोग यहाँ पर बहुत कम आया करते थे, इसीलिए उनकी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। मुसीबत इनके लिए कम नहीं थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर थे जो इन्हें परेशान कर रहे थे और उनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था। अब यहाँ ग्रेस एक प्लान बताती है कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है कि तो क्यों ना हम एक पेड़ पर चढ़ के दूसरे पर जाएं और ऐसे करते करते हम इस जगह से निकल कर दूसरी जगह पे पहुँच जाएंगे, बस हमें एक बार जाकर ये चेक करना होगा कि आखिर ये पेड़ कहाँ तक है। अब क्योंकि उसके हस्बैंड का चश्मा पानी में गिर गया था जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ली के पैर में चोट लगी थी इसीलिए ग्रेस खुद चेक करने के लिए जाती है। पेड़ से पेड़ पर चढ़कर वो आगे जाती है तो पता चलता है कि कुछ पेड़ों के पास 100 मीटर का गैप है जिसे इन्हें तैर कर ही पार करना था, जिसके आगे फिर से एक के बाद एक और भी बहुत सारे पेड़ थे।
एस्केप प्लान भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि 100 मीटर के गैप में वो मगरमच्छ इन पर हमला कर सकता था। ये लोग कोशिश भी कर ले तो नहीं बच सकते, क्योंकि वो इनसे काफी तेज रहता है। तब माँ यूसुफ का क्रेज वापिस आने लगती है, उसे वहाँ गाइड का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देख कर वो काफी डर जाती है। वापिस आकर वो उन दोनों को सारी बात बताती है। तब उसका हस्बैंड कोई और रास्ता ना होने पर दोबारा से कश्ती को पलट कर उसमें जाने का कहता है। तब इस बार वो दोनों बहनों को मना कर खुद ही पानी में उतरता है। वो तैर कर कश्ती के पास जाता है, फिर नीचे जाकर ताकत लगाता है और उसे जैसे तैसे पलटने में कामयाब हो जाता है। ये देख कर दोनों बहनें काफी खुश हो जाती है, मगर ग्रेस का हस्बैंड जो कश्ती के नीचे गया था वो वहाँ पर नहीं था, जो देख कर वो घबरा जाती है। फिर तभी एकदम से वो पानी से बाहर आता है, जिसे देख कर उनकी जान में जान आती है। मगर जब भी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, जो एकदम से ही ग्रेस के हस्बैंड पर हमला करके उसे पानी में ले जाता है। ये भयानक नजारा देख कर दोनों काफी चिल्लाने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद मगरमच्छ उसे मुँह में दबा कर बाहर आता है, मतलब की मगरमच्छ उसे भी मार चुका था। ये देख कर ग्रेस काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, और ली भी काफी हैरान रह गई थी, जिसके बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली ग्रेस को कहती है, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा। ग्रेस उसे समझाती हुई कहती है कि हिम्मत मत हारो, हम उस कश्ती की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। वो नीचे आकर कश्ती की रस्सी को खींचने लगती है, मगर वो काफी दूर थी। तब वो दूसरी टहनी पर जाती है रस्सी लेने के लिए, मगर मगरमच्छ बार बार घूमकर ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देख कर वो काफी डर जाती है और वापस ली के पास ही आ जाती है। मगरमच्छ इन दोनों को पहले घूमता है और फिर पानी में चला जाता है। इसके बाद ग्रेस पानी में अपने हस्बैंड की लाश को देख कर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे इस बात का भी अफसोस था कि मैंने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई कि हमारा बच्चा होने वाला है। तब उसकी बहन ली उसे संभालती है। बहन अभी दोनों थक हार कर यहीं पर इंतजार करने लगती है। रात भी हो गई थी तो ये जगह और भी खतरनाक दिखने लगती है। ऊपर से मौसम भी काफी खराब था, मगर मजबीत के आस पास ही घूमने लगता है, जिसके बाद वो ग्रेस के हस्बैंड की लाश को खाने लगता है। और सारी आवाज सुनकर ग्रेस और भी टूट जाती है और रोने लगती है। फिर ऐसे करते करते रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं ग्रेस की हालत काफी खराब है, वो गहरे सदमे में बहुत दुखी है। तब ली उसे हौसला देती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम दुखी मत हो, अपने हस्बैंड की आज परेशानी को बचाओ। तब ग्रेस उसकी बात मान लेती है। तब ये लोग देखते हैं कि कश्ती तैर कर इनसे काफी दूर चली गई है, इसीलिए अब इन्हें भी तैर कर उस तक जाना था। तब ये दोनों पानी में उतर कर आगे बढ़ती है, पर तभी मगरमच्छ इनके बहुत ही पास से पानी से बाहर निकलता है। उसे अपने इतिहास देख कर दोनों के होश उठ जाते हैं, चुपचाप ये वही खड़ी रहती है। तब मगरमच्छ भी पानी में चला जाता है। तो अब जब ये दोबारा से आगे बढ़ती है तो मगरमच्छ ग्रेस पर हमला करके उसकी टांग पकड़ लेता है और अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। ली ये देख कर काफी डर जाती है और रोने लगती है। घबराहट के आलम में वो ग्रेस को आवाजें लगाने लगती है, जिसके फौरन बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है, जिससे ली जल्दी से खींच कर वापिस पेड़ पर ले आती है। ग्रेस की हालत काफी खराब हो रही थी, क्योंकि उसकी टांग पर मगरमच्छ के हमले की वजह से काफी गहरी चोट आई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। तब ली अपना सूट फाड़ कर उसकी टांग पर पट्टी के तौर पर बांधती है और खून रोकने की कोशिश करती है। अब ये खून कुछ हद तक तो रुक जाता है, लेकिन ग्रेस काफी तकलीफ में थी। कुछ देर के बाद ली को एक कश्ती की आवाज आने लगती है, उसे रोकने के लिए वो दूसरी टहनी पर जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर कश्ती के इंजन के शोर की वजह से कोई भी इसकी आवाज नहीं सुन पाता और कश्ती यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो मगरमच्छ दोबारा से ग्रेस के पास आ चुका था, और क्योंकि उसकी टांग से खून निकल कर पानी में गिर रहा था, इसीलिए वो नीचे ही रहकर उसका इंतजार करने लगता है। अब ली किसी तरह ग्रेस के पास आती है और उसकी टांग को और कस के बांधती है ताकि उसका खून न बहे। जब मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है तो ली ग्रेस को कहती है कि मैं कश्ती के पास जाती हूँ और कुछ करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए। ग्रेस उसे ऐसा करने से मना तो करती है, मगर कोई और रास्ता ना होने पर उसे जाना ही पड़ता है। वो बड़े ध्यान से पानी में उतरती है और तैरती हुई कश्ती तक पहुँच भी जाती है। ऊपर चढ़कर उसके अंदर भरा हुआ पानी वो निकालने लगती है, जिसके बाद वो इंजन को चलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये शोर सुनकर मगरमच्छ दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और एकदम से कश्ती में चढ़कर ली को पकड़ने की कोशिश करता है। ली काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद कर पेड़ की तरफ जाने लगती है, पर मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, जिससे ली पानी में ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आती है तो वो किनारे पर पाती है, उसके साइड में उस गाइड की लाश भी थी। ली देखती है कि उसकी उंगली टूट गई है, जिससे वो एक कपड़े से बांधती है और फिर वो अपने पेट को चेक करती है तो वहाँ भी काफी गहरे जख्म थे, क्योंकि मगरमच्छ ने उसे यहीं से ही पकड़ा था। तभी उसे याद आता है कि गाइड अपने साथ हिफाजत के तौर पर एक गन भी लाया था, जिसे वो ढूंढने लगती है। अब गन मिलने पर पहले वो पानी में डालकर उसे साफ करती है और गोलियां डालकर बिल्कुल तैयार कर लेती है। फिर वो चेक करने के लिए एक दो गोली भी चलाती है तो गन बिल्कुल ठीक चल रही थी। फिर वो बड़ी सोच समझ कर गाइड का एक बाजू तोड़ लेती है और उसे किसी चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए पानी में शोर करने लगती है, ताकि मगरमच्छ शोर सुनकर यहाँ पर आ जाए। वो गन लेकर बिल्कुल तैयार भी थी और इधर उधर देख रही थी, पर वो मगरमच्छ यहाँ नहीं आता। ये देख कर ली खड़ी हो जाती है। फिर तभी उसके पीछे हम मगरमच्छ को देखते हैं, जो छुप कर बस उस पर हमला करने ही वाला था। अब आहट महसूस होने पर ली पीछे देखती है तो डरती हुई वो दोबारा से पानी में चढ़ जाती है।
टाइप भी हो जाता है। देख जगह रुक कर मगरमच्छ ढूंढने लगती है। फिर वो एकदम से वायर आकर ली के हाथ को पकड़ लेता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब क्योंकि उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में ही था इसीलिए वो फौरन गोली चला देती है जो गोली मगरमच्छ के सर पर लगने से फौरन ही उसकी मौत हो जाती है और इससे ली का हाथ भी आजाद हो गया था। अब देखते ही देखते उसकी लाश पानी में चली जाती है जो देखकर ली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो क्रिस के पास आती है और खुश होते हुए उसे बताती है कि आंखें खोलो मैंने मगरमच्छ को मार दिया है और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। ली उसे काफी उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठती जो देखकर ली दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दरअसल बहुत सारा खून बह जाने की वजह से क्रिस की भी मौत हो चुकी थी। फिर ली क्रिस की लाश को कश्ती में डालकर वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।